थाना खैराबाद इलाके में फल व सब्जी की 3 दुकानें अज्ञात कारणों से जलकर खाक हो गईं। स्थानीयों की मदद से दमकल की गाड़ियों द्वारा आग पर काबू पाया जा सका। दरअसल मामला नगर की पुरानी बाजार का है, जहां रोजा दरबा के मुजीब अहमद, शानू व शकील की फल व सब्जी की दुकानें हैं। तीनों के अनुसार रात करीब 3 बजे स्थानीयों द्वारा उन्हें दुकान में आग लगने की सूचना दी गई और जब तक वह पहुंचते दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो गईं। स्थानीयों की मदद से दमकल की गाड़ियों द्वारा आग पर काबू पाया जा सका। आग में मुजीब द्वारा 3 लाख, शानू द्वारा 50,000 व शकील द्वारा 30,000 के नुकसान की आशंका बताई जा रही है। इसके साथ ही दुकान मालिक आग लगाने का आरोप दुकान के पीछे बनी दुकान के मालिक जगदीश टंडन पर लगा रहे हैं। तीनों का कहना है कि जगदीश से उनका विवाद चल रहा है और पूर्व में वह कई बार दुकान में आग लगाने की धमकी भी दे चुके हैं। दुकान में आग लगा दी है, 25,000-30,000 रुपए का नुकसान हुआ है। हटौरा निवासी जगदीश टंडन जो है, इनसे विवाद चल रहा था, उन्होंने ही आग लगवाई है। हमारा नुकसान हुआ है 50,000 का करीब है। जो रात को आग लगाई गई, आग लगा दी गई थी यहाँ पे पुरानी बाजार में, जगदीश टंडन के द्वारा धमकी बराबर मिल रही थी, बुलडोजर चलवा देंगे। 4 से करीब 5 दुकानें जलाई गई हैं, इसमें जगदीश टंडन का हाथ लगता है। आई इंडिया के लिए खैराबाद से धीरज शुक्ला की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।